और कामगारों की मेहनत और लगन के बदौलत दुनिया भर के देश विकास के क्षेत्र में नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। मजदूरों की इसी महत्ता की याद दिलाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। हर साल 1 मई को हम अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाते हैं। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर के श्रमिकों को इस मौके पर शुभकामनाएं दी हैं। किसी भी देश, समाज, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों का योगदान अतुलनीय है। श्रमिक देश और दुनिया के विकास की रीढ़ है। कामकाजी लोगों के इसी हक और मेहनत को सम्मान, उनकी एकता और उनके हक के समर्थन में भारत समेत दुनिया के सैकड़ों देशों में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश के श्रमिकों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में लिखा कि देश के श्रमिक सही अर्थों में हमारे राष्ट्र निर्माता हैं। दरअसल 1 मई 1886 को अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की शुरुआत एक क्रांति के रूप में हुई थी, जब हजारों की संख्या में मजदूर अपने शोषण और कामकाज के घंटे को कम करने के खिलाफ सड़कों पर उतर आए थे। मजदूरों की मांग थी कि उनके काम की अवधि 8 घंटे की जाए। मजदूरों के इस भीड़ पर तत्कालीन सरकार ने गोली चलवा दी, जिसमें सैकड़ों मजदूरों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद शिकागो शहर में शहीद मजदूरों की याद में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया। इसके बाद 1889 में ये घोषणा की गई कि शहीद मजदूरों की याद में हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाएगा। भारत में मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत सबसे पहले चेन्नई में 1 मई 1923 को हुई थी। उसके बाद से देश में हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रमेव जयते के मंत्र के साथ वर्तमान सरकार अपने कठिन परिश्रम और संकल्प से भारत को दुनिया में अग्रणी बनाने वाले श्रमिकों के कल्याण के लिए लगातार प्रयासरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।